साथियों, यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है, देखा है ना, देखा है ना, क्या क्या होता था मालूम है ना, याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे। और भाइयों बहनों, जब समय बचता है, सुविधा बढ़ती है, संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है, तभी तो सामर्थ्य बढ़ता है। और जब सामर्थ्य बढ़ता है तो समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाती है। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर आज तेजी से काम चल रहा है। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है, उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है।